ये द्वारका इलाके में आज हम लोग आए हैं। हमने आपको दिखाया वार्ड नंबर 121, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं कैप्टन शालिनी और एक तरफ हैं बीजेपी से रामनिवास गोयल। अब जो वहां के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो आज थोड़ा बिजी थे, तो हम एक बगल वाले वार्ड में आ गए हैं। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है आपको, जो लोग कांग्रेस को कम आंक रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, एक बार जनसभा देख लीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए, ये बता दें एग्जैक्टली जगह कौन सी है। भाई साहब, बाबू जी, राम राम। ये क्या नाम है जी इस गांव का एग्जैक्टली? शाबाश मोहम्मदपुर। वार्ड कौन सा पड़ा ये? 130। अच्छा ठीक है। एक बार दिखा दे जरा आप आगे जाके पूरा, और भीड़ देख लें। ये पंचायत हो रही है गांव में, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं नेहा लोचव लांबा, इनके समर्थन में। आपका स्वागत करता हूं। एक्स विधायक हमारे साथ में, पूर्व विधायक हैं विजय जी, बिजवासन से विधायक रहे हैं, और बड़ी अच्छी जनसभा में देख रहा हूं। और मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप तो सबके यहाँ जा रहे हैं, ये मीटिंग केवल एक गांव की है, केवल एक गांव की ये मीटिंग है, ये शाहबाद की। मेरे 6 गांव इसमें आते हैं ना, इसमें बहुत भारत जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। जो कह रहे हैं वहाँ बैठ के उनकी नहीं जानता, ये पूरा समर्थन इसमें मिल रहा है। और हम हर आदमी जीत की कहता है, पर मैं ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सीट हम बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपका वार्ड 121 है, मैं अपनी इस विधानसभा में जो 5 वार्ड है, बिजवासन विधानसभा में 5 वार्ड है, पांचों वार्ड में क्या स्टेटस? बहुत ही अच्छी वो है, हमारी 3 महिलाओं की है और 2 जनरल है, तो बहुत ही अच्छा वो है। और आप खुद देख रहे हैं, ये एक गांव की, सिर्फ एक गांव की भीड़ है। ये गांव में 9,000 वोट हैं और कुल हमारे यहाँ 31,000 वोट है, और ज्यादा से ज्यादा वोट जो 24-25 से ज्यादा नहीं पड़ेंगे 70% में। तो गांव से और भी कोई प्रत्याशी है क्या? कोई प्रत्याशी नहीं। निर्दलीय? निर्दलीय कोई नहीं है यहाँ से, कोई नहीं इस गाँव से, कोई नहीं है यहाँ। 2 जो कैंडिडेट हैं वो एक गांव के हैं, जो पूर्व दोनों पार्षद रहे, चाचा भतीजे हैं, वो मरथल गांव है। उस गांव की 5,000 वोट है, लेकिन वो उन्हीं में वो है। और आपका आजकल जो आपके प्रति इतना आजकल वो है, आप खुद ही देख रहे हैं। पर मैं अपनी सीट की, अब मैं दिल्ली में जब एक बिल्कुल ठीक, मैं इस सीट के लिए कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और आप स्वयं खुद देख रहे हैं, मैं पीछे किसी स्टूडियो में नहीं कर रहा, आपने देखा होगा, ये एक गांव की भीड़ है। तो आप पूर्व विधायक रहे हैं, अब 3 टर्म से एमसीडी से कांग्रेस बाहर है, इस बार के चुनाव की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि तीनों एमसीडी एक हो गई हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो जीत का चौका लगाने की तैयारी में है, आम आदमी पार्टी है जो इस कोशिश में है कि वो एमसीडी में अपनी सरकार चलाए, कांग्रेस 3 टर्म से बाहर है। तो क्या क्या आपके पास में देखिए हर अलग दावे और वादे अचीवमेंट के कल बद है। एक तो हम हाउस टैक्स के बारे में कह रहे हैं, विशेषकर दिल्ली में 360 विलेजेस हैं जिनकी जमीनों पर सब ये पॉश कॉलोनियाज बनी हुई है, और ये अनऑथराइज कॉलोनियां भी जैसी हैं। हम ये कह रहे हैं कि गांव में कोई हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए, कांग्रेस आई तो हम बिल्कुल हाउस टैक्स नहीं लेंगे, जो हमारा आपने मुद्दा पूछा। दूसरा हाउस टैक्स ये है कि हम पीछे के हाउस टैक्स जो और भी हैं, अब इन्होंने लिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, पर हम उसको पीछे का माफ और आगे जो आने वाला हाफ करेंगे। जहाँ तक आप पूछेंगे कि भाई कहाँ से आएगा, वो आज प्रदेश ने अभी मैनिफेस्टो किया कि क्या सोर्स होंगे। और जो मेन वो है, हम ग्रामीण इलाके में, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि यहाँ नक्शा आप गांव में देख रहे हैं, छोटी छोटी गलियां, यहाँ नक्शे कभी भी नहीं हुए थे प्रयोजन है। तो गांव में अकेले गांव के लोग नहीं है, भारत जैसे एयरपोर्ट के नज़दीक के ये के, अगर वो द्वारका में कोई फ्लैट लें तो उसको 35,000 में किराया मिलता है, या हमारे ये छोटे फ्लैट बने हम उनको 15,000 में दे देते हैं। तो ये हमारी मांग जो है, हम एमसीडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और विशेषकर कूड़े करकट का ढेर गांव में लगा हुआ है, और ये पीछे से कुछ कह रहे हैं। हम अब एक उदाहरण देते हैं कि भाई
शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो बीजेपी का भी अटल बिहारी वाजपेयी था, पर इन मुद्दों पर कभी लड़ाई नहीं हुई। ये तो बातों में लेके रोज वो आप पर निशाना लगा रहे हैं, वो बीजेपी पर निशाना लगा रहे हैं, तो हम वो शीला दीक्षित वाली जो नीति है उसके उससे चलकर हम हमारी जो पॉलिसी है वो ये है। अच्छा, क्या कौन कौन सी, वो तो हम हर जगह सुन रहे हैं कि मेरी चमकते दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, लेकिन अब आगे क्या कुछ और मैनिफेस्टो, कुछ प्लान, एक्शन प्लान, दावे, वादे, अचीवमेंट? दावे यही है कि देखिए, जो दावे है कि एक तो हम जो ये अनऑथराइज कॉलोनी है, इन पे जो हमने 670 कॉलोनियां रेगुलराइज की थी उनमें हमने एक नया पैसा ले लिया था, अब इन्होंने वो जो उसके चार्ज पर है वो उस पर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए छोटे छोटे प्लॉट पे आए, कांग्रेस आई तो कॉरपोरेशन की तरफ से उस पर कोई ये नहीं लगेगा। हमारी एक तो ये प्लान है जो कांग्रेस में प्लान हो सकती, दूसरा हम जो सफाई कर्मचारी हैं जो हमेशा से लगे हैं और वो झाड़ू देख के जो आप में चले गए हैं आज भी वो पक्के नहीं किए, वो हमारा वोट बैंक था, हम उनके लिए सबसे पहले रेगुलाइज करें। जो नगर निगम से ही संबंधित, हम इस मुद्दे में अब 370 और इधर की बात करें तो कोई सेंस नहीं है, ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव है। लेकिन अगर इस सरकार ने चलो माना कि तीनों को एक कर दिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस बात पे हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर आप ये किया था कि जिले भी आपने देखा होगा पुलिस के भी 5 से बढ़ गई जनसंख्या, वो बनाई थी इसलिए किया, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तो है तो कॉरपोरेशन, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हम दावे से कहते हैं सफाई कर्मचारी और दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों की बहुत बुरी हालत, आधे आज भी टीन के उसमें चल रहे हैं। हमने जैसे शीला दीक्षित के समय में, फिर आप कहोगे कि शीला दीक्षित को क्यों नहीं, कि हमने पॉलिसी बनाई थी और मैं भी उसका एक सदस्य था, तो हम किसी उसको पक्के उसके स्कूल करेंगे। और ये केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोल रहे कि मेरे स्कूल को, जो आज भी झुग्गी वाला बच्चा कहता हमें एज एक्स एमएलए आपको प्रेस वालों को, जी मेरा डीपीएस में दाखिला करा दो, अगर उसे कुछ नहीं देना पड़ता जब भी 1000 रुपए तो लगेंगे, तो उसको स्कूलों पे भी विश्वास नहीं है। तो हम प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से शुरू होती है उसमें हम पक्के स्कूल और अच्छे टीचर्स की करेंगे, ये हमारी मुख्य विचारधारा। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, 8 साल से दिल्ली में सरकार है, बाकी स्टेट्स में भी वो अपने पैर पसार रही है, तो क्या आपको लगता है चुनौती है कांग्रेस के लिए दोबारा से वापस की 1%? देखिए, हम बीजेपी से जो जनसंघ के नाम से था शुरू से लड़ते आ रहे हैं, हम नगर निगम में, लेकिन ये सब झूठ का कोकड़ा कि वहां जाके कुछ कहता है कश्मीर का स्कूल, मेरे स्कूल देखो, मेरे हॉस्पिटल देखो, आप एक बार नगर निगम की तरफ से देखो, कहीं कोई खोखे के पे आप लो तो कोई बिल्डिंग तो लो, ये जो वो जो हेल्थ सेंटर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले सड़क पे खोल रखे, तो हम ये हेल्प करेंगे, हम जहाँ पक्के वो हैं उनका स्टाफ ज्यादा करेंगे, जहाँ वहीं 2 गार्ड ज्यादा बताएंगे, 2 फार्मेसिस्ट ज्यादा बताएंगे, ये दिखावा नहीं करेंगे। आपने ये विज्ञापन में देखिए, ये बात जरूर है, विज्ञापन की एक माध्यम होता है, उनके पास सरकारी माध्यम है, हमारी पार्टी के पास वो है, और अब लोग समझ सकते हैं हमारी तरफ से कांग्रेस से नाराज नहीं थे, पर उन्होंने सोचा केजरीवाल इनसे भी ज्यादा हमें लाभ देगा, जो ये गए थे ना लोग, हमसे कोई नाराज नहीं था, पर हम जब बात करते थे वो ये उम्मीद करते थे इस केजरीवाल से, जब उनको गया कि ये शायद और ज्यादा देगा, लेकिन दिया तो कुछ है नहीं, सिर्फ प्रचार प्रचार ही कर रहा है। तो मेरा गौरव जी ये आशा है कि हम इस नगर निगम में अब ज्यादा लंबे चौड़े वायदे नहीं करते, लेकिन जो हम कर सकते हैं मैंने आपको बताई है, और हम बहुत अच्छी टक्कर में, नई सीट की हम दिल्ली में भी बहुत अच्छी सीट को चुनाव। ये आपने बड़ी बात कही कि बड़ी बड़ी बातें उतनी की जाएं जितने हम पूरी कर भी पाए, पर ये बिल्कुल हम साथ हैं, हम इस पे ये लेंगे, धर्म का लेंगे, ये नगर निगम से कोई संबंधित नहीं, हम नगर निगम से जो हो रहा है उसके तरीके से करेंगे, और जो ये आधार और इसको जोड़ने की, हम भी चाहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट बनने में या जन्म सर्टिफिकेट बनने में, हमारी तो पार्टी में मैंने डिस्कस कहा कि जब आपके पास आधार और जन्म पात्र बनना है तो वोट के लिए घूमते क्यों, जिसकी उस आधार कार्ड में 18 साल की उम्र हो जाए उसको बुला के पूछ लो आपको कहाँ बनाना है। एक हमने सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन से मिले थे कि आप स्टाफ को लेके घुमाते हो, जो आपके पास आधार कार्ड का लिस्ट है, ये लड़के 18 साल के हो गए या लड़की 18 साल की हो गई है, तो उनको आपको बुला के कर ले कि आपके वोट जहाँ रह रहे हो यही है, क्योंकि आधार कार्ड एड्रेस का प्रूफ नहीं है, वो है जहाँ रहता है,
वोट एक बनेगी, तो आप ये बता दो कहाँ बना, तुरंत उसकी वोट को लागू कर दो। तो हमारा ये भी सुझाव है, जिससे दिल्ली में कंफ्यूज्ड है कि एक आदमी ने मेहरौली भी बनी, वहां से कटी नहीं, फिर वहां हो गया, तो नगर निगम को इससे बहुत लॉस है। ये हमारी सबसे ठीक है, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, और जल्दी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आप पूर्व विधायक विजय लोचव जी बिजवासन से पूर्व विधायक रहे हैं, और 6 वार्ड आपने बताया यहाँ पर, 5 वार्ड हैं, और ये जनसभाएं इस तरह से हो रही हैं। आपको शुभकामनाएं हैं, और TV9 दिल्ली NCR की टीम। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, आइए एक बार चलते चलते देख लेते हैं। हाँ, कल शाम से एक बच्चा गायब है, ये ठीक है यहाँ पे, इसकी मम्मी रो रहे पागल है, तो ये बच्चा नहीं मिल रहा यहाँ पे, इसका छोटा भाई है ना तेरा, छोटा भाई है ये यहाँ पे। आपने कंप्लेंट कराई इसकी? कंप्लेंट कराई, कुछ ना हो अभी तक, स्कूल से आया कल, स्कूल से आके गायब हो गया ना। लो इसे तो पकड़ लिया अपना, इसको दिखा दो एक बारी भाई। अगर आपको कुछ ऐसी सूचना मिले इस बच्चे की तो बता दें, एक कोई अपना कोई फोन नंबर या कुछ बता दो आप। ये ले फोन नंबर, इसके पीछे लिखा हुआ है, नाम भी इनका लिखा हुआ है, 8447841105 पे कॉल करना, पंकज नाम है मेरा, पंकज कुमार। कोई इनके बारे में सूचना मिले तो हमें बताना जरूर। ठीक है, आपको अगर सूचना मिले तो उस नंबर पे आप प्लीज बताएं, इनके हेल्प करें। और पाँच बजे से डेट बता दो एक बार ना, कल क्या डेट के हिसाब से? कल 22 तारीख शाम के 5 बजे से गायब है, सावन मोहम्मदपुर। ठीक है, फोटो जिन्होंने नहीं देखी एक बार फिर दिखा दें, ये फोटो है, और प्लीज आपके जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, और उसके साथ ये नंबर है 9972991181, साजिद नाम है इसका बच्चे का, तो इनकी हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू, और उम्मीद करते हैं यार ये बच्चा मिल जाए, हैं शाम को 5 बजे से। हाँ हाँ हाँ, तो आप यहीं रहते हैं इसी गांव के भैया? हमारे पड़ोस में ही है जी, हमारे किराए पे रहते हैं। आप इसी गांव में हो? तो इस गांव में क्या चल रहा है राजनीतिक मामला, पॉलिटिकल? राजनीतिक ये है जी, कांग्रेस से हमारी नेहा लोचव जी जीत चुकी है। अच्छा, फुल बहुमत है, पूरा सहयोग है पूरे गांव की तरफ से, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार, जिससे हमारी पार्टी जीत चुकी है। ठीक है जी, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या हाल है ये आपके? बाबा राम राम। ठीक है, क्या नाम है आपका? विनीता। यहीं रहती है इसी गांव की? इसी में रहते हैं। इतने उदास क्यों? उदास भाई, गरीब आदमी हूँ तो उदास रहना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए आज दिन तक हुआ क्या है? कुछ हुआ है तो बताओ। किराए पे रहता हूँ तो पानी भर, बिजली बिल भरते हैं, किराएदार के हैं क्या? कुछ है? कुछ नहीं है। तो बिजली फ्री नहीं है आपके? फ्री कुछ नहीं है, मकान मालिक तो लेता है। और मकान मालिक को लेकिन बिल नहीं भरना पड़ता, आप लोग से ले लेता है? हाँ। कैसे, किस हिसाब से लेता है? सब किराएदार से जो आता है वो भरना पड़ता है। हाँ। गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड है, आ रहा है राशन? राशन आ रहा है। तो क्या, किसको लग रहा है किस मोड़ यहाँ पर, किस किस मुद्दे को लेके लग रहा है सबसे ज्यादा टॉपिक, मुद्दा दिमाग में क्या शुरू रहेगा? देखो वो तो जैसे राहुल, कोई कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि वादे, कोई कह रहा है झूठे वादे, कोई कह रहा है कूड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम तो किसी की नहीं झूठे बाज कहेंगे, नहीं झूठे कहेंगे, गरीब के लिए आज दिन तक हुआ ही नहीं तो हम क्यों करें, बस यही है और क्या। गरीब के लिए आज दिन तक है, किराएदार है गाँव में, हमारे सबको घर द्वार नहीं है, यहाँ कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, किराए भर रहा हूँ, और क्या है। गरीब के लिए कुछ आज दिन तक न हुआ है न होगा, यहाँ तो मतवीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए थोड़ी होता है। आज मतवीरों के लिए। क्या क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है जी। गांव के हो? मैं पड़ोसी गांव से हूँ बिजवासन से, मेरा वार्ड अलग है, लेकिन भाईचारा है, दोस्ती आ रही है, तो उसमें थोड़ा आना पड़ता है, जाना पड़ता है, सबका देखना पड़ता है, भाईचारा बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है, भाईचारा बने भी रहना चाहिए। मैं यही बोलता हूँ कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आज कोई लोग इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन भाईचारा बंदर बना रहे हैं। भाईचारा ही सब कुछ है, भाईचारा बिना कुछ नहीं है। पार्टियां आती हैं, पार्टी जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन भाईचारा बना रहे, उस सब सबके लिए अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बात भाई। आप में क्या करते हैं भाई साहब? मैं छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, कुछ भी, कभी प्रॉपर्टी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ऐसे ही चलता रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या लग रहा है, क्या दिमाग में इशू रहने वाले हैं जब वोट डालने जाएंगे? देखिए वोट डालने की बात है, सबको ही मालूम है, महंगाई का, गंदगी का मुद्दा, ये सब मुद्दा, लेकिन हर कोई चाहता है कि चेंज आए, तो चेंज के लिए वोट करेंगे, यहाँ भी वहीं भी कहीं भी चेंज हमें चाहिए, क्योंकि जो आने वाली सरकारें और अच्छा काम दिखाए,
पहले जो करा उसने अच्छा करा, जो नहीं आए वो और अच्छी करें, और जो उनसे आ गया वो और अच्छी करें, हम सबको चेंज चाहिए। ये तो वाली बात हो गई कि फैशन है हर इस बार नया, ये वाला फैशन फिर वो वाला फैशन, जिसने काम किया उसको दोबारा वोट नहीं मिलना चाहिए। देखिए जिसने काम किया है उसको ये हो सकता है कि सैटिस्फाई नहीं है काम से इसका, मतलब पूरी तरह से नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब आपको बता दें कि TV9 दिल्ली NCR को आप अपने YouTube चैनल को ऐप को खोल के आप सर्च कर सकते हैं इजीली, सर्च करना है आपको TV9 दिल्ली NCR, बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्मार्ट TV अगर आपके पास है तो आप उसमें YouTube ऐप खोलिए और देखिए, उसमें TV9 दिल्ली NCR सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो हम आज पूरा द्वारका के इलाके में घूमे हैं, द्वारका के इलाके में अलग अलग इलाकों में हम लोग गए, और BJP, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये वो तीन बड़ी पार्टियां हैं जिनके कैंडिडेट से, जिनके नेताओं से हमने बात की, और कुछ लोगों से जो है वो बात करने की हमने वो भी कोशिश करी। इस तरह की सीरीज हमारी जारी है, दिल्ली का क्या मूड है चुनावों को लेकर, आपके मोहल्ले में किन मुद्दों की चर्चा है, और दिल्ली नगर निगम से जो दिल्ली की सत्ता की बाजी कौन मारेगा ये भी आपको दिखाएंगे। साथ में हमारे शिकायत दूत भी हैं, हमारे ऑटो भी हमारे साथ में है। देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।